Assalamu alaikum and welcome back to another vlog. अच्छा जैसा कि आप जानते हैं फ्लड की वजह से जो हमारे गांव देहात हैं इसके सिंध में पंजाब में बलूचिस्तान में और इसके अलावा केपीके में इसी चीज़ को देखते हुए हमने भी एक स्टेप लिया है। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी एक विज़िट करके आएँ थोड़ा सा सामान लेकर जाएं, ठीक है। तो हम भी वही नॉर्मल चीज़ें लेकर जाएंगे जो लेकर जा रहे हैं जो फलाई इदारे लेकर जा रहे हैं एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे पर हम देखना चाह रहे हैं कि यार किस तरह से ये डिलीवर किया जाता है किस तरह हेल्प की जाती है किस तरह से काम किया जाता है तो वहाँ जाके हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी सितंबर में ही हम निकलेंगे, सितंबर की 7 या 8 को हम जाएंगे विज़िट करेंगे गांव देहात में वो हैदराबाद से आगे। तो मौसम हो तो अच्छा रहा है, अच्छा मौसम तो अच्छा हो रहा है। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ ज़ाहरा को लेने, ज़ाहरा की छुट्टी होने वाली है फिर आके ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे हम। वो क्या उबे भैया वे भैया को कब बनेगा रोड। सलमान साहब अपनी बाइक लेकर आ गए और सलमान ने बाइक ला के यहीं खड़ी कर दी, खड़ी कर दी 110 के पीछे खड़ी कर दी। अभी थोड़ी सी और आगे लेकर जाएंगे, ये चाहेंगे कि मैं GT 110 के बिल्कुल बराबर में खड़ी करूँ लेकिन ये खड़ी नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि खड़ी कर देंगे लेकिन ये खड़ी नहीं कर सकते। सलमान बहुत सारी वीडियो मारे हो, अब सलमान अभी रुकने वाले हैं, पेट्रोल जाया हो रहा है। सलमान क्या, सलमान सोच रहे हैं क्या करूँ अब मैं। तो सलमान के पास और कुछ नहीं था करने के लिए तो उन्होंने बाइक बंद कर दी। चलो यार मैं आपको कुछ चेक करवाता हूँ तो आप चेक करना कि मौसम लग कैसा रहा है। अच्छा सूरज तो गुरूब हो गया, सही है। अच्छा शाम की जो खूबसूरती है नहायत ही इंतहाई भी देखना यार, ये जो मौसम है ना ये एंड 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 बहुत आला लगा। अच्छा ये तो भी रेट बढ़ाए नहीं, 1.90 तक जाना चाहिए ना, बिल्कुल खत्म ओवर खत्म हो गए। नहीं नहीं 2 बोले बाकी है ना, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया 170 187 हो गए यार, 1.90 तक तो होने चाहिए। हाँ हाँ होने चाहिए यार। आज कैसा हुआ? बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। किसने अच्छी बैटिंग की? उसने मुझे 4 छक्के अच्छे लगे मुझे इसके। किसने मारे 4 छक्के? तुलकुल किसने मारे? क्या नाम है बताओ, किसने मारे? नाम भूल गया उसका मैं। उस्ताद मैच देगा? उस्ताद अल्लाह अल्लाह करके खुशदिशा ने आखिर में छक्के मार लिए वरना तो हम 160 170 पर ही रुक जाते। हमारे विकटे कहाँ लेकर जानी थी, 2 बैट्समैन आउट हो गए लेकिन 8 अभी बाकी थे फिर भी टुक टुक टुक। अबे भाई खेलो यार, खेलने के लिए आए हो, शॉट मारो, नहीं लग रहा मारो, 8 खिलाड़ी बैठे हुए पीछे भाई मार क्यों नहीं रहे थे। अच्छा हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ नहीं खेलोगे तो किसके ख़िलाफ़ खेलोगे? तो इंडिया है भाई, आगे खेलो मारो छक्के मारो। अबे 155 रन से हराया हांगकॉन्ग को, 155 रन से यार, क्या हराया है, क्या हराया है पाकिस्तान ने दादा, 38 रन बनाने दिए खाली, 155 रन के मार्जिन से हराया। तो वही मज़ा आ गया आज के मैच का। शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, सब ने अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान की। अच्छा यही सिलसिला यार रखो। अच्छा क्रिकेट तो अपनी जगह भाई चलती रहेगी, क्रिकेट में अप एंड डाउन आते रहते हैं, अच्छी खबर बुरी खबर चलती रहती है, बट जो हमारी अहम बात चल रही थी, अच्छा सैलाब से जो मुतासिर हुए हैं लोग, हम उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। तो कब जाएंगे, क्या है, क्या सिलसिला है, किस तरह से जाएंगे, तो हमारी एक मीटिंग होने वाली है दोस्त के साथ, मेरे जो फ्रेंड है उनके साथ मीटिंग होने वाली है आज या कल में इंशाल्लाह। तो ना क्या सिलसिला होगा तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।